आज का ये आर्टिकल आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे भी आप जानते हैं कि एक आधी आबादी है हमारे देश में महिलाओं की लगभग, और लगभग आपके पुरुषों की आधी आबादी है। इसमें से आप देखते हैं कि आपकी चाहे फिर वैज्ञानिक का क्षेत्र हो, फिर चाहे किसी और कोई भी क्षेत्र हो, आप यहाँ तक कि राजनीति देख लीजिए, लोकसभा में आपके 543 सदस्य चुने गए, जिनमें से आपके 78 महिलाएं केवल चुनी गई हैं। एक यानी कि खासी आबादी, आधी आबादी से केवल 78 महिलाएं चुनी गई हैं। तो ये असमानता तो है, असमानता ही तो दिखाई देती है। तो आर्टिकल है ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं की भूमिका क्या है। तो देखें ये किस संदर्भ में इसे बात की जा रही है, क्या होता है आखिर ज्ञान अर्थव्यवस्था, होती क्या है। भारत में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति अभी तक क्या है, उस पर भी बात करेंगे। विज्ञान में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण क्या है आखिर, उस पर भी बात करेंगे। सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या क्या हैं, और ज्ञान विज्ञान में महिलाओं के को आगे लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो सुझाव हैं, आपके पास भी अगर कुछ सुझाव हैं तो आप भी दे सकते हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ज्ञान अर्थव्यवस्था में विकास में महिलाओं की भूमिका। हाल ही के अध्ययनों से हमें पता चला है कि देश भर के अनुसंधान और विकास संस्थानों के 2,80,000 वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकी विदों में केवल 14% महिलाएं हैं। कितनी? केवल 14% महिलाएं, यानी कि आप मान लीजिए 100% में से 14% आपकी केवल महिलाएं इसमें शामिल हैं, बाकी 86% आपके पुरुष इसमें शामिल हैं। जबकि तीव्र आर्थिक विकास के लिए भारत को उच्च तकनीक की कौशल कर्मचारियों की आवश्यकता है, जो आज के ज्ञान अर्थव्यवस्था युग में विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण, अत्यधिक महत्वपूर्ण। सतत विकास 2030 के घोषित लक्ष्यों में विज्ञान और लैंगिक समानता दोनों ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए, जो आपकी सतत विकास लक्ष्य है 17, इन्हें आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि इससे आपके प्रीलिम्स से भी क्वेश्चंस बन चुके हैं, कई बार आपके इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं, और कई बार मेंस में भी, ठीक है, और कई जगह आंकड़े डालने के लिए हो जाते हैं मेंस में, लेकिन तो आप लोग याद रखिए, उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त भूमिका सुनिश्चित करने के साथ साथ लैंगिक सशक्तिकरण को बढ़ावा बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 22 दिसंबर 2015 को प्रति वर्ष 21 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एंड इन साइंस, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब? 11 फरवरी को। इस दिवस को यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र महिला संघ के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। पिछले कुछ दशकों में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका को बढ़ाने हेतु काफी सारे प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन अभी भी महिलाओं और लड़कियों की भूमिका विज्ञान क्षेत्र में काफी सीमित है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्तमान में शोधकर्ता महिलाओं की हिस्सेदारी 30% से भी कम है, यूनेस्को के आंकड़े 2014 से 2016 के बीच पर अगर हम नजर डालें तो हमें पता चलता है कि कुल महिला छात्राओं में से मात्र 30% महिलाएं उच्च शिक्षा में स्टीम यानी कि वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित STEM या फिर स्टेम क्षेत्रों का चयन करती है, इसी का केवल 30%। अगर हम स्टीम क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन देखें तो निम्न तथ्य सामने आते हैं। ICT 3%, प्राकृतिक विज्ञान, गणित और सांख्यिकी 5%, इंजीनियरिंग विज्ञान विनिर्माण निर्माण में 5%। 2015 के अगर हम लोग जेंडर वाइज विदाउट स्टडीज की रिपोर्ट को देखें तो स्टीम क्षेत्रों की नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र कितनी? 12% है। कितनी? मात्र 12%। अब बात करते हैं आखिर क्या होता है ज्ञान अर्थव्यवस्था, होती क्या है ज्ञान अर्थव्यवस्था, है क्या ज्ञान अर्थव्यवस्था। शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1960 के दशक में तब शुरू हुआ जब अर्थव्यवस्थाओं का विकास पारंपरिक तरीके से ज्ञान आधारित तरीकों की ओर स्थानांतरित होने लगा। ज्ञान अर्थव्यवस्था या फिर ज्ञान अर्थतंत्र या फिर नॉलेज इकोनॉमी उस अर्थव्यवस्था को इंगित करती है जिसे ज्ञान का मत आधिकारिक है, जिसमें ज्ञान का मत कुछ ज्यादा ही है। अगर हम लोग सब सरल शब्दों में कहें तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें विकास का मुख्य स्रोत खेत अथवा खनिज नहीं बल्कि ज्ञान होता है। समझ रहे हैं? आपका मतलब आपके पास जितना ज्ञान है
उसी की बात की जा रही है। यह अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से ज्ञान एवं सूचना की सृजन, उसके प्रबंधन, वितरण और उपभोग पर आधारित होता है। वर्तमान समय में तकनीकी प्रधान अर्थात जो देश तकनीकी के मामले में जितना अग्रणी होगा उसका आर्थिक आधार उतना ही सशक्त होगा। आप अब जानते हैं कि अब कहा जा रहा है कि अब आपकी धरती पर कोई भी युद्ध नहीं होगा, अब आपके अंतरिक्ष में युद्ध लड़े जाएंगे। यानी कि आपका सैटेलाइट है अगर कोई देश मार गिराता है, आप सोचिए कि आप किसी, यानी कि चीन हो फिर चाहे अमेरिका हो, किसी सभी उस देश के सभी सैटेलाइट को मार गिराएं यानी खत्म कर दें, तो वैसे भी वो देश मरा ही हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि सूचनाएं नहीं मिलेंगी उसे और मैन उसकी आधार सूचना ही है, तो क्या होगा? तो यही हाल है, समझ रहे हैं। तो अब मैन है आपका तकनीकी प्रगति के लिए ज्ञान का आधार अति आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र हो या फिर कोई भी विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, इसमें आपकी ताकत यानी कि आप कितने शक्तिशाली हैं इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप कमजोर हैं, आप बड़े बॉडी बिल्डर हैं, उसमें केवल ज्ञान की आवश्यकता होती है, इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान के आधार पर ही नवाचार को गति प्रदान की जा सकती है तथा नवाचार ही नवोन्मेष एवं तकनीकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। विश्व बैंक के अनुसार ज्ञान अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित चार स्तंभ हो सकते हैं, कौन कौन से हैं? आधारभूत संस्थागत संरचनाएं जो उद्यमिता और ज्ञान के उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान करती हैं, कुशल श्रम की उपलब्धता, उच्च स्तरीय शिक्षा प्रणाली, सूचना एवं संचार तकनीकी बुनियादी ढांचा और उसकी पहुंच, एक ऐसा नवाचार को प्रोत्साहन देने वाला परिवेश जिसमें शिक्षाविद, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को सक्रिय सहभागिता हो। एक आप निचले स्तर पर ही देख लीजिए कि आप अगर पढ़े लिखे हैं और आपके पास ज्ञान है काफी, तो आप ट्रेनें, याद देखा होगा आपने, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं रेलवे स्टेशन पर ऐसे झुक झुक के देखते हैं, जैसे यानी कि उनके झुकने से जल्दी ट्रेन आ जाएगी, समझ रहे हैं? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप बैठ के अपने फोन में देखते रहते हैं। तो यही तो है तकनीकी विकास, कि आप तकनीकी का बेहतर प्रयोग कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि जान लेते हैं कि ट्रेन कहाँ पहुंच चुकी है, हमें घर से कितने बजे निकलना चाहिए, समझ रहे हैं? कई लोग देखते हैं कि 4-4 घंटे पहले पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन पर। भारत में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की अगर स्थिति की बात करें तो यूनेस्को द्वारा 2018 में संकलित आंकड़ों के अनुसार विज्ञान के शोधकर्ताओं के लिए शोधकर्ताओं में सिर्फ 28.8% शोधकर्ताएं ही महिलाएं और भारत में यह अनुपात 13.9% है। विश्व में यह आपका 28.8 है और भारत में उससे भी कम है, 13.9। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों की केवल 6% महिलाएं ही स्नातकोत्तर के बाद सोचित यानी कि PhD का चयन कर रही हैं, जबकि साइंस स्ट्रीम में यह संख्या 3% से भी कम है। भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध से संबंधित सबसे बड़े संस्थागत इसरो के 16,000 कर्मचारियों में से केवल 20% कर्मचारी ही महिलाएं हैं। आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा हिस्सा महिलाओं का है। नीति आयोग ने 2016-17 में पिछले 5 वर्षों में विभिन्न विषयों में महिला नामांकन की तुलना करने वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार भारत में 2015-16 में स्नातक पाठ्यक्रम में 9.3% महिलाओं को इंजीनियरिंग में दाखिला दिया गया था, जबकि स्नातक पाठ्यक्रम के तहत इंजीनियरिंग में कुल 15.6% छात्रों द्वारा नामांकन कराया गया था। चिकित्सा विज्ञान में कुल नामांकन की तुलना में महिलाएं सिर्फ 4.3% ही नामांकित थीं। विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में वैज्ञानिक और प्रशासनिक कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाली व्यक्तियों में महिलाओं की संख्या सिर्फ 20% है। पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप प्राप्त करने वाली महिलाओं के अनुपात की अगर हम बात करें तो 28.7% है। कुल PhD स्कॉलरों में 33.5% महिलाएं स्कॉलर हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि आधे में से इतना कम। विज्ञान में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यबल की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अनुसंधान और विकास कार्यबल में केवल 15% महिलाएं, जबकि वैश्विक औसत 30% है। यानी कि विश्व के स्तर पर अगर हम बात करें तो ये 30% है और भारत के हिसाब से बात करें तो 15% है। कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी क्षेत्र जैसे में यह असंतुलन सबसे अधिक है, जबकि जीव विज्ञान चिकित्सा विज्ञान में तुलनात्मक रूप से कम है, क्योंकि आप देखते हैं महिलाएं लड़कियां चिकित्सा क्षेत्र में ज्यादा जाने के लिए
उत्सुक रहती हैं, उसी क्षेत्र में उनका योगदान भी रहता है। विज्ञान में महिलाओं की कम भागीदारी, जितने डॉक्टर आप देखते हैं उस क्षेत्र में, ऐसा कि महिला मतलब लड़कियां कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं, एक ठीक है संतुलन बना हुआ है चिकित्सा के क्षेत्र में। जीव विज्ञान समझ रहे हैं आप लोग, विज्ञान में अगर हम लोग महिलाओं की भागीदारी के कारणों की बात करें, कम होने के कारणों की, तो उपयुक्त विश्लेषण से हमारे सामने जो निष्कर्ष आता है वह यही दर्शाता है कि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका काफी कम है। इसे बढ़ाने के लिए इस दिशा में सभी को सम्मिलित प्रयास करना होगा। लैंगिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण, कहने का मतलब सीधा सा ये है कि आप सोचिए कि पुलिस में अगर कोई लड़की जाती है तो कहते हैं पुलिस के लिए नहीं बनी है लड़की, लड़कियां आप बैंक में देख लीजिए, इस तरह के कामों में लड़कियों को महत्व दिया जाता है। आर्मी में अभी देखिए अगर लड़कियां जाने लगे तो लोग कहने लगते हैं अरे उसके लिए नहीं बनी है मैंने, समझ रहे हैं। तो मतलब एक दृष्टिकोण बना हुआ है खराब। रोल मॉडल का प्रभाव, सहयोग ना देने वाले या प्रतिरोधी नीतियां या प्रतिसत्तात्मक मानसिकता उन्हें इन क्षेत्रों में अपना भविष्य बनाने से रोकती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में महिलाओं के पीछे रह जाने के कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं। शिक्षा का निर्णय परिवार के द्वारा लिया जाता है। आप देखिए कि एक लड़की से पूछा नहीं जाता है कि क्या करना है, उसे अपने हिसाब से करवाया जाता है माँ बाप के द्वारा। एक लड़का से पूछ लिया जाता है तुम क्या करना चाहते, इंजीनियर डॉक्टर, तो एक मतलब उन्हें छूट रहती है एक तरह से। यही तो पितृसत्तात्मक है कि लड़के को महत्व देना, लड़की से जाना। हमारे देश में शैक्षणिक निर्णय आम तौर पर पारिवारिक निर्णय होते हैं ना कि व्यक्तिगत, क्योंकि शिक्षा में सामूहिक पारिवारिक संसाधनों का निवेश किया जाता है जिसका प्रभाव पूरे परिवार पर होता है। अतः पूरे परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए शिक्षा से संबंधित निर्णय किए जाते हैं। इस प्रकार पारिवारिक और सामाजिक परिणाम किसी बालिका की रुचि और इच्छा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आर्थिक कारक ये शैक्षिक निर्णयों में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और महिलाओं के लिए विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मुख्य बाधा उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि साधन संपन्न परिवारों में भी आर्थिक आधार महिलाओं को विज्ञान में डिग्री हासिल करने से रोकता है। आमतौर पर विज्ञान या फिर इंजीनियरिंग में की डिग्री को कला या फिर वाणिज्य की डिग्री से अधिक महंगा विकल्प माना जाता है। लिंग रूढ़िवादिता और लैंगिक भूमिका, पारिवारिक जिम्मेदारियां और बेटियों पर घरेलू कार्य सीखने का दबाव करने के लिए विज्ञान के अध्ययन को कम अनुकूल बना देता है। भारतीय सांस्कृतिक परिवारों का स्वरूप पितृसत्तात्मक है जिसमें महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं, जिसमें एक परिवार की सभी घरेलू जिम्मेदारियां महिला सदस्यों के कंधों पर होती हैं। सामाजिक अपेक्षाओं का अनुपालन, आमतौर पर बेटियों से परिवार की यही उम्मीद होती है कि बेटियां विवाह के बाद अपने पति के परिवार के प्रति दायित्वों को निभाएं। कई परिवार तो यहाँ तक सोचते हैं कि एक बेटी ही शिक्षा मुख्य रूप से उसके ससुराल वालों को लाभान्वित करेगी। पुरुष वर्चस्व वाला परिवेश, हमारा समाज पुरुष वर्चस्व वाला है। स्टीम में महिलाएं हमेशा से अल्पसंख्यक ही रही हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग में पुरुष प्रधानता की सामाजिक स्वीकारता महिलाओं की भागीदारी के लिए एक प्रमुख बाधा है। इसके अलावा पुरुष प्रधान माहौल विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लड़कियों को असहज महसूस करता है। हालांकि अब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं विज्ञान करियर बनाने के लिए आगे आ रही हैं। पर्याप्त रोल मॉडल की कमी, जब अधिक से अधिक महिलाएं किसी क्षेत्र में सफलता अर्जित करने लगती हैं तो उसमें अन्य लड़कियों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और उस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। रोल मॉडल की कमी से भी स्ट्रीम विषयों को करियर विकल्प के रूप में चुनने से विकल्प लड़कियां बचती हैं। अब क्या होगा कि आप देखेंगे कि नाम जैसे ही सुनेंगे कि उस लड़की ने ए किया है देश के लिए, इतना नाम किया है, तो लड़कियों का इस तरफ मुड़ना भी स्वाभाविक है। रोल मॉडल, आप कहते हैं ना कि हमारा ए है, मतलब रोल मॉडल ए रहे हैं हमारे, तो एक इसी तरह रहता है। महिलाओं की अनौपचारिक नेटवर्क तक पहुंच की कमी, जो हाई प्रोफाइल परियोजनाओं में काम करने के अवसर प्रदान करते हैं जिसमें विदेश में सम्मेलनों में भाग लेना या फिर नौकरी के अवसर शामिल होते हैं, इससे उनके पास काम के अनुभव की कमी रहती है। उन्हें उच्च पदों में पहुंचने और विकास मॉडल की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बना सकता है। अगर हम लोग सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों की बात करें, इस क्षेत्र में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। भारत सरकार विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST विज्ञान और प्रौद्योगिकी के डोमेन में महिलाओं के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने सक्रिय रूप से हुआ है।
रोक ले से लगा हुआ है। भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रयास भी रहे। किरण, 2014 में DST ने सभी महिला विशिष्ट कार्यक्रमों को एक अम्ब्रेला कार्यक्रम पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान भागीदारी के रूप में पुनर्गठित किया है। यह मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास क्षेत्र में अधिक महिला प्रतिभाओं को शामिल करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लैंगिक समानता लाने के लिए लक्षित है। महिला प्रौद्योगिकी पार्क, महिला प्रौद्योगिकी पार्क WTP विभिन्न प्रौद्योगिकियों के अभिसरण के लिए एकल खिड़की हब के रूप में कार्य करते हैं। महिला प्रौद्योगिकी पार्क महिलाओं के लिए आजीविका प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मॉड्यूलन और प्रशिक्षण केंद्र, ग्रामीण महिलाओं के लिए खाद्य सुरक्षा और आजीविका उत्पादन के लिए यहाँ प्रौद्योगिकी प्रबंधन पैकेज विकसित किए जाते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं WTP यानी कि महिला प्रौद्योगिकी पार्क में प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। संगठन भी लगातार कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करते हैं और स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज को संशोधित करते हैं। वुमेन इन टेक फोरम, इस मंच का गठन रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड यानी कि RBS भारत की अगुवाई में प्रौद्योगिकी कॉरपोरेट्स, शिक्षाविदों, गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से किया गया है। मंच का उद्देश्य की अगर बात करें तो बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से जमीनी स्तर पर लैंगिक अंतर को संबोधित करना। इस मंच को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय एजेंडा में तेजी लाने के लिए मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं की रोजगार क्षमता में निरंतर वृद्धि को बढ़ावा देना। इसकी एक पहल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO के सहयोग से निधियों के एक स्वतंत्र कोष का निर्माण भी करना इसका शामिल है। सरकार के द्वारा किए गए अन्य प्रयास में बात करें तो वुमेन इंटरप्रेन्योर क्वेस्ट WEQ एक व्यापक मंच है जो वास्तविक व्यवसाय वृद्धि के लिए परामर्श, सीखने और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करता है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, उनका प्रदर्शन करना। इसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान द्वारा किया जाता है। विज्ञान ज्योति या छात्राओं के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षा हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहन करना, साथ ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली छात्राओं को यह समझने में मदद करना कि वे विज्ञान के क्षेत्र में स्कूल से कॉलेज और उसके बाद शोध से लेकर नौकरियों तक कैसे आगे बढ़े। अगर अन्य प्रमुख योजनाओं की बात हम करें तो इसमें आपने देखा होगा क्यूरी, ये महिलाएं महिला विश्वविद्यालय में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए अनुसंधान कार्यों का समेकन कार्यक्रम है। महिला विज्ञान योजना STEAM में महिलाओं के लिए इंडो US फेलोशिप, इंस्पायर योजना और इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, बायोटेक्नोलॉजी करियर में एडवांस एंड रेओरिएंटेशन बायो केयर स्कीम, ये सभी आपकी शामिल है। ज्ञान विज्ञान में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अगर कुछ और महत्वपूर्ण सुझाव यानी कि कदम की बात करें तो अनेक बाधाओं के बावजूद भी भारत में महिलाओं ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है। विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी को अधिक से अधिक बढ़ाने, उसे बनाए रखने के लिए लैंगिक भेदभाव को भी कम करने की मजबूत प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव अमल में किए जा सकते हैं। कौन कौन से? जागरूकता फैलाकर लड़कियों को विज्ञान में करियर बनाने के लिए जागरूक करना उठना कठिन नहीं है जितना कि उनके अभिभावकों को। परिवार के समर्थन और प्रोत्साहन से लड़कियां विज्ञान में उच्च उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा कारण है कि जागरूकता की कमी। एक जागरूकता अगर फैलाया जाए और उनके माँ बाप भी अगर जागरूक हों तो इसे सही किया जा सकता है। मैटरिंग, परिवार के समर्थन के साथ शिक्षकों द्वारा STEAM विषयों में लड़कियों को करियर बनाने की सलाह देने और प्रोत्साहन करने से अधिक प्रभाव पड़ सकता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए समय समय पर मेंटरशिप कार्यक्रम चलाने जाने की आवश्यकता है। लिंग संवेदनशील शिक्षा, जेंडर संवेदीकरण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षण की प्रक्रिया में सम्मिलित सभी तत्वों जैसे विद्यालय हो गया, शिक्षक हो गया, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण कक्ष सभी का सामान्य योगदान है। सभी के द्वारा बालिका को बालक के समान परिवेश दिया जाना चाहिए। इस हेतु एक समान पाठ चर्चा, शिक्षण पद्धतियाँ, शैक्षणिक सामग्री होनी चाहिए जो किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या फिर जेंडर
रूढ़िवादिता से मुक्त फ्री हो। मेधावी लड़कियों को स्ट्रीम छात्रवृत्ति, स्कूल स्तर पर स्ट्रीम की मेधावी लड़कियों को छात्रवृत्ति के प्रावधान किए जा सकते हैं। इससे उनके उनमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान विषय के चयन और विज्ञान की में करियर बनाने को बढ़ावा मिलेगा। मीडिया का उपयोग, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को मीडिया के माध्यम से रोल मॉडल की तरह दिखाया जा सकता है। इस प्रकार मीडिया महान महिला विज्ञानकों और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने वाली महिलाओं की दक्षता में वृद्धि करके स्टीम क्षेत्रों में युवा लड़कियों की रुचि बनाने और उन्हें प्रोत्साहन करने में एक बड़ी भूमिका भी निभा सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि मीडिया अगर कुछ भी प्रचार करती है तो बड़े जल्दी समाज उसे अपनाने लगता है, तो मीडिया का उपयोग इस क्षेत्र में भी कर सकते हैं। लास्ट में कह सकते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित, जैसे सामूहिक रूप से आप लोग स्टीम के रूप में जानते हैं, वर्तमान में यही चार प्राथमिक शैक्षणिक विषय हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। स्टीम कार्यबल भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम देखने को मिलता है। भारत में विज्ञान से स्नातक महिलाओं का केवल कुछ प्रतिशत महिलाएं ही विज्ञान में सफल अकादमी करियर को आगे बढ़ा पाती हैं। अनुसंधान और प्रशासन में तो बहुत ही कम महिलाएं पहुंच पाती हैं। इसमें सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लक्षित करता है। एक समृद्ध और टिकाऊ समाज के निर्माण के लिए लैंगिक समानता सबसे महत्वपूर्ण है। स्टीम विषयों में सीखने के समान अवसर मिलने से महिलाओं को इस क्षेत्र में रोजगार के सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। हालांकि भारत ने लड़कियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है, फिर भी स्टीम में महिलाओं की भागीदारी और प्रदर्शन अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। तो ये कहानी थी महिलाओं की विज्ञान के क्षेत्र में भूमिका क्या है, क्या स्थिति है। ठीक है।